दोस्तों, एसएससी की तरफ से आज काफ़ी सारे नोटिफिकेशन अपलोड किए गए, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और एसएससी की तरफ से आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी देखने को मिली है। एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर नया आ चुका है, उसमें आपके आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के बारे में और साथ ही दिल्ली पुलिस के बारे में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। सभी टॉपिक्स आज के इस वीडियो में कवर होंगे, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको छोटी अपडेट दे देता हूँ, जो कि है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दोस्तों जो नया कैलेंडर है वो इशू किया गया है। इसमें जो मेन मेन यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ क्या है। सबसे पहले बात करें नए फॉर्म जो आपके लगने जा रहे हैं एमटीएस के। जी हाँ दोस्तों, एमटीएस के नए फॉर्म यहाँ पे 14 नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसको कैसे आपने चेकअप करना है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो। यहाँ पे देख सकते हैं एमटीएस के जो न्यू फॉर्म है 2023 के, वो 10 अक्टूबर से लगना शुरू होंगे और 31 अक्टूबर तक आपके जो ये फॉर्म है ये लगेंगे और फैब में जाकर इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ग्रेड सी स्टेनोग्राफर के नए फॉर्म सितंबर से लगेंगे। फिर उसके बाद जो मेन मेन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, और जो मेन है जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जिसका इंतज़ार करते हैं, वो है दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसके जो नए फॉर्म है वो दोस्तों लगना शुरू होने जा रहे हैं 24 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर के महीने में आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर लगभग एक महीने का समय आपको दिया जाएगा, 24 से लेकर 28 दिसंबर तक इसके फॉर्म लगेंगे और इसका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च 2024 में होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, 100% आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, वेट कीजिए। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से आपको पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। 2024 का यहाँ पे बताया है एसएससी जीडी कांस्टेबल, 2024 की जो नई रिक्रूटमेंट है वो दोस्तों यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। और एमटीएस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दूसरा नोटिफिकेशन की तरफ ले चलते हैं, जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसके फॉर्म लगना शुरू हुए हैं। दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, इसके फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में फॉर्म लगेंगे। दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि अपकमिंग 15 दिनों में इसका फॉर्म भर ले, क्योंकि लास्ट में बहुत जो है एसएससी की साइट जो है बिज़ी रहती है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। तो 10 से 15 दिनों में आप जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करें। तो इसका जो एग्ज़ाम है ये भी मैंशन किया गया है दिसंबर में होगा। जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो 2024 में मार्च में होगा, और इसका जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों यहाँ पर दिसंबर में रहने वाला है। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहेंगी। वैकेंसीज देख सकते हैं आपको, 7547 वैकेंसी है। पूरा डिटेल वाइज देख सकते हैं, मेल की 4453 वैकेंसी, यानी कि 4453 वैकेंसी मेल की है। और बाकी यहाँ पे देख दोस्तों देख सकते हैं कांस्टेबल मेल के अंदर आपको एक्स सर्विस मैन, कमांडो, इनकी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि इसके अंदर जो है सर्व कर रहे हैं। बाकी फीमेल की बात की जाए तो 2491 वैकेंसी आपके लिए निकल के सामने आ रही है ये फीमेल्स की। तो टोटल यहाँ पे 7500 समथिंग वैकेंसी जो है यहाँ पे आपके लिए निकाली गई है। एज लिमिट देख सकते हैं 18 से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए दोस्तों, वो आप कैलकुलेट कर लेना आपके 18 से लेके 25 के बीच में बनती है नहीं। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के 3 साल की रिलैक्सेशन, मतलब 18 से लेके अगर आप यहाँ पे 28 साल तक हैं तो आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और 26 तक जो है 28 तक है जो है वो ओबीसी के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात की जाए एज में, तो एससी एसटी के कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं 5 साल की रिलैक्सेशन आपको दी गई है, यानी कि 18 से लेके 30 साल के बीच में जितने भी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को लगा सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 3 साल की, यानी कि 18 से लेके 28 तक ओबीसी वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अप टू 40 ईयर्स 43 ईयर्स ये सब क्राइटेरिया रखा गया है। मेन मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है 51 पेजेस का, तो यहाँ पे इसको रीड आउट करना काफ़ी लेंथी रहेगा, तो मेन मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा। एनसीसी सर्टिफिकेट भी आप अपने साथ लगा सकते हैं, जिसमें आपको 5%, 3%, 2% बोनस मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी अगर आपके पास ए है तो 2 मार्क्स, बी है तो 3 मार्क्स, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% अप टू मार्क्स जो है इनक्रीज़ होते हुए यहाँ पे दोस्तों दिखेंगे।
सबसे पहले बात करें तो इसका एग्ज़ाम होगा जो कि रहेगा जनरल नॉलेज करंट अफेयर। ये सेक्शन आपका 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स मिलेंगे, 50 मतलब मैक्सिमम मार्क्स 50 का रहेगा। फिर उसके बाद रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन और 25 यानी कि एक क्वेश्चन जो है एक नंबर का वेटेज आपकी रहेगी, और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50, 25, 15 और 10 टोटल 100 मार्क्स जो है यहाँ पे आपके बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 90 मिनट्स आपको इसका टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप जो है गलत ऑप्शन लगाते हो तो आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्क 0.25 कटेंगे एक क्वेश्चन के, इतने मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। तो ये सिलेबस भी दिया गया है, सिलेबस के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा दोस्तों। बाकी मैं आपको बता दूं, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूं। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल रहेगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम के लिए करेंगे मेरिट आपका बनेगा। तो देख सकते हैं बॉयज़ के लिए क्या क्राइटेरिया है, 1600 मीटर रेस जो है 6 मिनट में आपकी रहेगी, जो कि 30 साल से नीचे नीचे है। लॉन्ग जंप 14 फीट का, हाई जंप 3 फुट और 9 इंच का आपका रहेगा। ये अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप देख लेना। बाकी हाइट देख सकते हैं दोस्तों 170 सेंटीमीटर है, बाकी जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 165 रहेगी। अब ये कौन से कैंडिडेट्स हैं, गोरखा, डोगरा, मराठा, स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह, लद्दाख, तो इन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपको छूट दी गई है। और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी गई है। चेस्ट देख सकते हैं दोस्तों 81 सेंटीमीटर रहेगी, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपको करना होगा, तो ये आप देख लेना। उसके बाद फीमेल्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1600 मीटर रेस रहेगी 8 मिनट में, जो कि अप टू 30 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं, और इनका लॉन्ग जंप जो रहेगा वो 10 फीट का रहेगा, बॉयज़ का ज़्यादा है 14 फीट का, हाई जंप इनका 3 फीट का रहेगा। और बाकी ये जो 30 से 40 अबव ये जो कैंडिडेट्स हैं सर्विस मैन, ये अपने हिसाब से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लेना। तो उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हाइट भी देख सकते हैं, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और 2 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन, यानी कि 155 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये गर्ल्स के लिए रहेगा। तो आपने देख ही लिया, मैक्सिमम यही जो क्राइटेरिया रहता है यही मैक्सिमम रहता है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप दिल्ली पुलिस की यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट पर जाकर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, SSC जो GD है, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं SSC.NIC। तो दोस्तों यही था बस आज का वीडियो, आपको जो है जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वीडियो में मिली है अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, लिंक जो है मैं सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।